मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक पार्ट रीड करेंगे, मींस कहानी, जिसका नाम है मोती और पुस्सी। मोती पिल्ले का घर एक बाग में है। स्टूडेंट्स, मोती एक पिल्ला है जिसका घर एक बाग में है। वह खाना खा रहा है। एक पिल्ला जिसका नाम मोती है, उसका एक घर है जो बाग में है, वह खाना खा रहा है। मोती अपने आप से बोलता है, मोती बहुत सारा खाना है, मैं थोड़ा सा सो लूँ फिर और खाऊँगा। जो मोती है वह क्या बोलता है अपने आप को, आज तो बहुत सारा खाना है, मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ फिर और खा लूँगा। वह सो जाता है और ऐसे करके वह सो जाता है। पूसी छुपकर बोलती है, म्याऊं म्याऊं। जितनी देर में मोती उड़ते हुए, मतलब वह उड़ जाता है और बोलता है, कौन बोला म्याऊं? वह बोलता है, कौन बोला म्याऊं? सामने से चिड़िया आती है। मोती उससे पूछता है, सामने से एक चिड़िया आती है और मोती उससे पूछता है, अच्छा तुम बोली थी म्याऊं? बोलो क्यों बोली म्याऊं म्याऊं? जो मोती है वो बोलता है कि अच्छा तुम बोलती थी म्याऊं, तो तुम क्यों बोली थी म्याऊं? चिड़िया बोलती है, मैं तो बोलूं ची ची ची। जितनी देर में चिड़िया क्या बोलती है, मैं तो बोलती हूँ ची 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 करके गाना गाऊं। वह पूरा बोलती है, मैं तो बोलूं ची 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 करके गाना गाऊं, मैं ना बोलूं म्याऊं। वह उड़ जाती है और इतनी देर में वह म्याऊं, वह बोलती है, मैं नहीं बोलती म्याऊं, और वह उड़ जाती है। मोती, हूँ छी छी चू चू भी कोई बोली है? मोती फिर सो जाता है और मोती क्या बोलता है, छी छी चू चू भी कोई बोली होती है? और वह फिर ऐसे सो जाता है। पूसी फिर बोलती है, म्याऊं म्याऊं। मोती, अरे फिर कोई बोला म्याऊं? मोती पेड़ पर बैठे बंदर की ओर देखता है, फिर उससे पूछता है जो मोती है, फिर वह बोलता है, अरे कौन बोला म्याऊं? और जितनी देर में मोती पेड़ पर बैठे बंदर की ओर देखता है और फिर से पूछता है, तुम पेड़ पर बैठे म्याऊं म्याऊं क्यों करे? स्टूडेंट्स, आज के लिए चैप्टर इतना ही, बाकी हम इस चैप्टर को कल पूरा रीड करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।